स्वच्छ भारत मिशन के तत्वाधान में आयोजित स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत वार्डों और नगर निकायों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर महानगर की 3 वार्डों तथा सहजनवा गोला सहित अन्य नगर निकायों को मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि प्रभारी जिलाधिकारी व CDO अनुज सिंह के अलावा ADM प्रशासन प्रभुनाथ, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश रस्तोगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 जनवरी से स्वच्छता संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए वार्ड स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें महानगर के वार्डों में प्रथम पुरस्कार बेतिहाता, दूसरा पुरस्कार अंधियारी बाग और तीसरा पुरस्कार सिविल लाइन्स ने जीता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने बताया। स्पर्धा के तहत जो है 1 महीने का कार्यक्रम चला था, साथ ही साथ उसके माध्यम से उस सभी वार्डों को और जैसे नगर निगम में सर जो इनकी बैठक करा करके और इस सत्र पे से नगर बाद जो अंतिम सूची प्रकाशित, जो कि नगर निगम और नगर पंचायतों में स्थान पे वार्ड संख्या 23 है सर, अधियारी बाग है, एक और वार्ड है सर वार्ड संख्या 10 जो कि नगर पंचायत यहाँ की बनी गई है, चैट उन्होंने शासन में दी है अपनी, वो जो शासन की रिपोर्ट है जो ये शासन की रिपोर्ट वो अलग है। और अक्सर कहा जाता था कि गोरखपुर उतना साफ शहर नहीं है, लेकिन पिछले लगभग 1 साल 8 महीने से मैं भी यहाँ पर हूँ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार इस ओर प्रेरित किया, कई आयोजन भी किए हैं, स्वयं जाके लोगों को इसके तो प्रेरित भी किया है और उसका नतीजा यह है कि आज हम जब गोरखपुर के शहरों में निकलते हैं तो हमें एक जिसको हम कहते हैं मूल चूक परिवर्तन सफाई की दृष्टि से हमें आजकल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नई परियोजनाएं भी आ रही हैं, सीवरेज लाइन्स वगैरह भी अब गोरखपुर में शुरू हो गए हैं और आगे आने वाले दिनों में उसका भी एक बहुत ही अच्छा असर गोरखपुर शहर पे देखने को मिलेगा। 4 जनवरी से जो सर्वे का कार्य किया जा रहा है और जिसमें सभी नगर निगमों और जितने भी नगर निकाय हैं शहरों की रैंकिंग होती है, उससे एक शहर की एक इमेज बनती है। जैसा हम कभी बाहर भी जाते हैं तो लोग इंदौर की, पुणे की बहुत तारीफ करते हैं, भले वो कभी इंदौर गए हो या ना गए हो, पुणे गए हो या ना गए हो, लेकिन फिर भी लोग बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इंदौर बिल्कुल रहने लायक शहर है, वहाँ के लोग स्वयं सफाई को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। इसी तरीके की बातें लोग पुणे के विषय में भी करते हैं। देखिए भले ही वो व्यक्ति वहां गया ना हो, लेकिन जो इन रैंकिंग में जो अखबारों में छपता है उसी से लोग अपनी एक धारणा बनाते हैं। तो क्योंकि इसके पहले गोरखपुर की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं रही है, पिछले वर्षों में रैंकिंग में बहुत अच्छा एक उछाल देखने को मिला था, तो अब धीरे धीरे बाहर में भी जब हम जाते हैं गोरखपुर के बारे में जब लोग चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, गोरखपुर में अब सफाई को लेकर एक परिवर्तन आ रहा है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि हमारे कुछ पार्षदगणों ने इसमें बहुत ही विशेष रुचि लेते हुए एक प्रयास किया है कि उनके वार्ड गोरखपुर में सबसे स्वच्छ वार्ड के रूप में निकल कर आए। और आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा, यही आशा रहेगी कि जब हमारा सर्वे का कार्य शुरू होगा तो जितने स्वच्छ हमारे वार्ड अभी दिख रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा स्वच्छ हमें देखने को मिलेगा। देखिए ये जो शहर को स्वच्छ रखने या अपने गांव को स्वच्छ रखने की जो बातें हम करते हैं, इसमें सिर्फ
पार्षद या सिर्फ नगर निगम या नगर निकाय के सहयोग से या सिर्फ उनके काम करने से वो स्वच्छ नहीं रह पाएगा। उसके लिए जो जन सहयोग है वो बहुत आवश्यक है। जैसा मैं आपको बताऊं इंदौर के बारे में या सूरत के बारे में या पुणे के बारे में, मैं आपको बताऊं वहां पे अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी कचरा अगर जमीन पे फेंकता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे टोकता जरूर है कि तुम इसे नीचे क्यों फेंक रहे हो। एक जमाना था जब सूरत में सब जानते हैं कि प्लेग फैला था और कई लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत ही गंदा शहर था। लेकिन एक बार ठोकर खाने के बाद वहां के लोगों ने यह निर्णय किया कि हम अब अपने शहर को एकदम स्वच्छ कर देंगे और विद इन नो टाइम, मतलब कुछ सालों में ही बिल्कुल ऐसा परिवर्तन दिखा कि सूरत की, कहें तो सूरत बदल गई, बिल्कुल वो भारत के सबसे अच्छे स्वच्छ शहरों में उसकी गिनती होने लगी, सबसे हाईटेक शहरों में गिनती होने लगी। अगर किसी के घर में किसी प्रकार की कोई सफाई की आवश्यकता होती है तो लोगों के पास मोबाइल ऐप है, वो उस पर सिर्फ अपने वार्ड का नंबर पर चुन के बस जैसे ही एक शिकायत करते हैं उसके आधे घंटे में उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है। तो सूरत इतना आगे निकल गया, यहाँ प्लेग से ग्रसित शहर बिल्कुल आगे निकल गया। तो उसी तरीके से हमारा गोरखपुर भी निकल रहा है। अब यहाँ पे तमाम चीजें शुरू हुई है, रात्रि सफाई का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है, रोड स्वीपिंग मशीनें अब गोरखपुर में दिखती है जो देख के बहुत अच्छा लगता है। इन सभी चीजों का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जन सहयोग हमें मिल जाए और ये सारे जो कार्यक्रम हम करवा रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य जन सहयोग ही प्राप्त करना है। एक बार जन सहयोग प्राप्त हो जाए उसके बाद प्रशासनिक अमले की जो कवायद चल रही है वो और हमारे पार्षदगण आप लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उन सभी जब एक साथ क्लब हो जाएंगे, एक साथ जब मिलके जब वो प्रयत्न जब दिखने लगेगा तो फिर गोरखपुर हमारा, मैं आशा करता हूँ कि टॉप 10 सिटीज में हमारा नाम आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 जनवरी से शहरों के बीच में जो हर साल स्वच्छता रैंकिंग को लेके एक कॉम्पिटिशन होता है, तो उसके पहले शासन द्वारा यह निर्देश किया गया था कि उसके पूर्व तैयारी के स्वरूप एक इंटरनल कॉम्पिटिशन हर जनपद में उनके नगर जितने भी निकाय हैं उनके बीच में किया जाए और उसमें जो प्रथम सेकेंड और द्वितीय और तृतीय जो आए उनको प्रोत्साहन के रूप में उनको बुला के उन्हें सम्मानित किया जाए। तो यह आयोजन उन्हीं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे नगर क्षेत्र में सफाई में काफ़ी बढ़ोतरी आई है और काफ़ी सुधार देखने को मिला है, तो जिन वार्डों के द्वारा विशेष प्रयत्न किए गए उन वार्डों को यहाँ बुला के सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है।